हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए पटेटो राउंड सैंडविच रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा इजी है बनाने में, झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं नए स्टाइल के सैंडविच। तो ले लेते हैं सबसे पहले आलू। मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े आलू ले लिए हैं और जिसको मैंने उबाल कर काट लिया है छोटे छोटे पीसेज में। अब इसमें ऐड कर लेते हैं प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज बारीक काट कर डाल दिया है। अब इसमें डाल लेते हैं एक हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक। इनको भी हम बारीक काट कर डाल लेंगे। अब डाल देंगे 1 चम्मच इसमें ओरिगेनो और 1 चम्मच ही डाल देंगे इसमें चिली फ्लेक्स। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें आमचूर पाउडर और अब इसमें डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भर के डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें लगभग 1 चम्मच भर के चाट मसाला या फिर आप चना मसाला या कोई भी सब्जी मसाला, मतलब इसको चटपटा करने के लिए। ओरिगैनो की जगह आप लहसुन को भूनकर इसमें डाल सकते हैं। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ये मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच, मतलब जो सर्विंग स्पून होती है ना, एक वो भर के डाल देंगे हम इसमें तेल का। और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी डाल देंगे इसमें देगी मिर्च जिससे कि कलर अच्छा आ जाए। अब जो हमने आलू का मिक्सचर बना के रखा है ना, वो सारा इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे जिससे कि जो ये प्याज का और बाकी मसालों का थोड़ा सा कच्चापन है ना, वो इससे चला जाएगा। तो देखिए आलू अभी कितने ड्राई लग रहे हैं। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा मिला देंगे पानी, मतलब 1/2 गिलास से भी कम। और देखिए इसको चलाते जाइए, कितने बढ़िया ये आलू दिखने लगे हैं। कलर भी इसमें आ गया है देखिए देगी मिर्च का, और ये कितने सॉफ्ट भी हो गए हैं, मतलब यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। गैस को बंद कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तो अब ये ठंडा हो गए हैं, मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस पर। यहाँ पर मैंने ब्रेड स्लाइस ले ली है, अब इसको हम कर लेते हैं कट। आप कटोरी भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्लास से कट किया है इसको। तो देखिए ऐसे करके इसमें ब्राउन शेप का ये एक ऐसे पीसेस इसमें से निकाल लेंगे। तो जो बाकी का ब्रेड बचेगा ना, इसको हम ब्रेड क्रम्स में भी यूज कर सकते हैं या फिर हम ब्रेड की भुर्जी जो बनाते हैं ना ब्रेकफास्ट में, वो भी बना सकते हैं। तो सारे ही हम ऐसे कट कर लेंगे जितने भी हमें सैंडविच बनाने हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो देखिए जो हमने मिक्सचर बना के रखा है, अब उसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं, जो एक मुट्ठी में आ जाएं। तो देखिए आप साइज देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट साइज है, ये ब्रेड में भी अच्छी तरह से आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। और ये जो हमने ब्रेड को कट करके रखा था, इसको पानी में डिप करेंगे, ऐसे इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। और ये जो हमने बॉल बना के रखी है, इसमें इसको बीच में रखेंगे, फिर से इसको टर्न करेंगे और इसको ऐसे कवर कर देंगे थोड़ा सा प्रेस करते हुए। हल्के हल्के हाथ से ही प्रेस करना है। ब्रेड ये अच्छी तरह से गीला है, तो इसी वजह से काफी जल्दी सेट भी हो गया है जैसे हमने किया है। तो देखिए इसको सीधा करके लग रहे हैं ना कितने सुंदर, ऐसे ही हम सारे सैंडविच तैयार कर लेंगे। सारे सैंडविच मैंने तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कुछ नए तरीके के सैंडविच, और बनके भी काफी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो देखिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। मैंने पैन रख लिया है, इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा बटर। देसी घी, तेल या फिर बटर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो। अभी हम फ्लेम को करेंगे मीडियम टू लो। तो देखिए हम एक एक करके सैंडविच, इधर जिधर आलू है ना उस साइड से इस पे रखते जाएंगे हम। फ्लेम को हमें बिल्कुल हल्का ही रखना है क्योंकि कुछ भी जलाना नहीं है। अब देखिए कुछ सेकंड बाद मैंने इस पर ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बटर लगा दिया है ब्रश की सहायता से, आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। तो देखिए सारा जो बटर लगाया था ना हमने पैन पे, वो सारा अब्जॉर्ब हो गया है। थोड़ा थोड़ा सा बटर हम और लगा देंगे। तो चलिए अब इनको पलट कर देख लेते हैं। तो देखिए मूव अच्छी तरह से हो रहे हैं, थोड़ा सा बटर में इनको घुमा लेते हैं। तो देखिए
और ये बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इनको आप और सेकना चाहें तो सेक सकते हैं, पर मुझे ऐसे ही हल्के हल्के क्रिस्पी ये बढ़िया लगे। इनको पलट लेते हैं और नीचे से भी थोड़ा थोड़ा सेक लेते हैं। कम घी तेल की रेसिपी है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी बनके तैयार हो गई है। फटाफट से एकदम आप लंच में भी दे सकते हैं बच्चों को, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, घर में काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आएगी। तो देखिए एक एक ब्रश इनके ऊपर और लगा देंगे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं ना। इतनी ज़्यादा इजी है ये, आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो एकदम ही बनके तैयार हो गए, मतलब कुछ भी इसमें झंझट नहीं है। बस एक ब्रेड जरूर मंगाना पड़ेगा, बाकी तो सारे सामान घर में हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। ये ऐसी रेसिपी है, तो देखिए नीचे से पलट के भी मैंने दिखा दिया है, ये बस बिल्कुल तैयार है। अब इनको उतार लेते हैं, तो देखिए कितना बढ़िया है देखने में लग रहा है, मतलब इतना सॉफ्ट बना है ना ये, इतना ज़्यादा डिलीशियस है। आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो फैन हो जाएंगे इसके, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनी है सच में। और सारे ही हम ऐसे उतार लेंगे सैंडविचेस। मेरे चैनल पर आलू की काफ़ी सारी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ हैं, उनको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी और रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए आराधिका की कुकिंग चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।